आप देख रहे हैं TNB। चीनी नौसेना की बढ़ती समुद्री ताकत से निपटने के लिए अमेरिका ने ऐसा धमाका किया कि उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने अपने सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर भीषण बम हमले का असर टेस्ट किया। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के अंदर भीषण बम ब्लास्ट किया। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के अंदर 18,000 किलो का बम ब्लास्ट किया, जिससे कि पूरी धरती कांप गई और भूकंप आ गए, और अमेरिका ने इसका वीडियो भी शेयर किया। तो आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि शांत पड़ी समुद्र में अचानक इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरी धरती कांप जाती है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US नेवी ने बम ब्लास्ट पानी के अंदर किया, जबकि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पानी की सतह के ऊपर था। इस ट्रायल से ये पता चला कि बम हमला हुआ तो ये एयरक्राफ्ट उसे झेल सकता है या नहीं, युद्ध के दौरान ये कितना प्रभावी साबित होगा। USGS ने समुद्र में आए इस भूकंप को रिकॉर्ड भी किया है। इस महाविस्फोट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, तो आइए एक बार और नजर डालते हैं इस महाविस्फोट के वीडियो पर, साथ ही लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है इस पर भी। जैसे कि आपने वीडियो में देखा और वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी कि लोग इस वीडियो को देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आए, बल्कि लोगों ने अमेरिका के इस परीक्षण पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ये कहता नजर आया कि अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इस पर काम करना चाहिए, न कि बम बनाने पर इतने खर्च करने चाहिए। वहीं किसी ने समुद्री जीव के बारे में सोचने को कहा तो किसी ने कहा कि टैक्स पेयर्स के पैसे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। इस वीडियो पर हर कोई सवाल खड़ा करते नजर आया। आपको बता दें कि US नेवी ने यह टेस्ट फ्लोरिडा के डेटोना बीच में 100 मील की दूरी पर किया, जिसके बाद रिक्टर स्केल पर 3.9 की तेजी वाला भूकंप आया। इसी के साथ यह परीक्षण कितना सही है कितना गलत, यह हम उन पर छोड़ते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहे। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।